हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस तरीके की वीडियो आप कैसे बना सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको पिक्सेल ऐप को ओपन करना है। अगर आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है तो प्ले स्टोर से जाकर आप इंस्टॉल कर लीजिए, नहीं तो मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर आपको एडिट का ऑप्शन दिखता है, उस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते या फिर आप जो लिखना चाहे वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना नेम लिख देता हूँ और उसके बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, इसको आप थोड़ा बड़ा कर लीजिए। अब आपको थोड़ा सा साइड करना है इसको। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा फॉन्ट, ये देखिए ये रहा, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आप कोई भी फॉन्ट चुन सकते हैं। देखिए मैं कौन सा चुन रहा हूँ, आप वही वाला चुनिएगा तो अच्छा रहेगा। तो देखिए ये रहा कैप्चर आईटी, इस पर आपको क्लिक कर देना है और ओके पे क्लिक कर देना है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। अब आपको इस तरफ करना है, यहाँ पर आपको कलर का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिए और यहाँ से आप जो मन चाहे वो कलर यहाँ से चुन सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक ग्रेडियंट का ऑप्शन है, उस पर आपको क्लिक करना है और कुछ इस प्रकार से आपको कलर चुन लेना है। तो देखिए काफ़ी अच्छा लगता है ये कलर, ये देख सकते हैं, और टिक पे आपको क्लिक कर देना है। ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आ चुका है। अब आपको जाना है यहाँ पर स्ट्रोक का ऑप्शन दिखेगा, ये देखिए ये रहा स्ट्रोक का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है, इसको इनेबल कर देना है और टिक पे क्लिक कर देना है। तो देखिए इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। आप चाहें तो सबको इनेबल कर सकते हैं और देख सकते हैं कैसा आपका अच्छा लग रहा है। तो देखिए इस तरीके से मेरा अच्छा लग रहा है और शैडो देखिए यहाँ पर शैडो कर देते हैं यहाँ पर। तो देखिए मैंने इसको शैडो भी लगा दिया, यहाँ से इनेबल कर दिया, कुछ इस प्रकार से आ गया है। आप चाहें तो और भी कुछ लगा सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर 3D टेक्स्ट है इसको इनेबल कर सकते हैं, तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। और यहाँ से आप नीचे जाएंगे तो डार्कन में ये देखिए कुछ इस प्रकार से हो गया। तो देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। और देखिए अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर डबल बॉक्स का ऑप्शन दिखता है, उस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन दिखता है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। अब आपका जो नेम है वो बन के तैयार हो गया, अब आपको सेव करना है। तो देखिए सेव करने के लिए आपको बॉक्स का ऑप्शन दिखता है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए और सेव एज इमेज पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ से सेव टू गैलरी पे क्लिक करना है। अब और अब जो आपकी फोटो है वो गैलरी में सेव हो गई। और दोस्तों अब आ जाना है आपको काइनमास्टर के ऐप पे। अगर आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है तो इसके ऊपर मैंने पहले से एक वीडियो बना रखी है कि काइनमास्टर को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं बिना वाटरमार्क के, तो इस प्रकार से आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। तो देखिए ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको एक प्लस का ऑप्शन दिखता है, उस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से 16:9 का रेशियो सेलेक्ट करना है। तो देखिए उसके बाद कुछ इस तरीके से यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको जाना है मीडिया पे और एक वीडियो की लिंक दी हुई है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो देखिए वो वीडियो मैं यहाँ से ले देता हूँ, ये देखिए यही है वो वीडियो। तो आपको जाना है एकदम साइड में, देखिए ये ऐसे यहाँ पर देख लेना है, ये जहाँ से गायब हो रहा है आपको 10 सेकंड पे यहाँ पर चल जाना है, इस एरो को 10 सेकंड पे जाना है और इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको सीजर का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा ट्रिम टू राइट प्ले हेड, इस पर आपको क्लिक कर देना है और राइट साइड का जो पार्ट है उसको आपको डिलीट कर देना है और यहाँ से टिक पे क्लिक कर देना है। और अब आपको अपने एरो को यहाँ पर लेके आना है, ये देखिए यहाँ पर इस पोर्शन में आपको अपने एरो को ले आना है। और अब आपको जाना है लेयर पे और मीडिया पे जाना है और अब जो आपने पिक्सेल ऐप से इमेज बना के सेव की थी उस इमेज को आपको यहाँ पर लेके आ जाना है। तो देखिए इस प्रकार से आ जाना है और इसको आपको बड़ा कर लेना है थोड़ा सा और यहाँ पर आपको एक इन एनिमेशन का ऑप्शन मिलता है, उस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से एक पॉप का ऑप्शन मिलता है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए इस प्रकार से आपका नेम आएगा और यहाँ से टिक पे क्लिक कर देना है। तो देखिए अब इसके बाद आपको एक इफेक्ट और लगाना है। तो देखिए सबसे पहले आप अपने कर्सर को यहाँ ले आइए, ये देखिए थोड़ा सा पीछे में यहाँ पर, और अब जाना है आपको लेयर में और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा ओवरले और यहाँ पर आपको गेट मोर का ऑप्शन दिखता है, यहाँ पर आप जाएंगे और ये हाथ ब्रश आपको यहाँ पर एक नाम का दिखेगा, उसको आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने डाउनलोड कर रखा है इसलिए मेरे को यहाँ पर दिखा रहा है, आपको ये शो नहीं होगा। तो देखिए हाथ ब्रश में क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये दिल वाला ऑप्शन यहाँ पर आप ले आएंगे और यहाँ से टिक पे क्लिक कर देंगे और उसको थोड़ा इस तरीके से कर देंगे। और अब मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो एक बार प्ले करके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की हमारी वीडियो बन चुकी है। आप चाहें तो आप भी बना सकते हैं और इस तरीके का वीडियो आप बनाएंगे तो टिकटॉक पे बहुत ही ज़्यादा चांस होगा वायरल होने का। तो देख सकते हैं ये इफेक्ट आ रहा है और यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं, ये जो दिल है ये नेम के ऊपर आ जा रहा है। तो इसको पीछे करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस पर आपको क्लिक करना है।